हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, तो आपको सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और पहली एक्सरसाइज भी समझनी होगी, क्योंकि पहली एक्सरसाइज के एंड में मैंने सेकेंड एक्सरसाइज के जो भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट यूज होंगे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उसकी पहली एक्सरसाइज बढ़िया से पहले समझ लें, देन आप सेकेंड लेक्चर उसका स्टार्ट करिएगा। मैं यहाँ पे इसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड लेक्चर में पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप उसका फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, आप उसके फॉर्मूले कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लें। इसके भी कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए इसे। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इस पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, यानी इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर से हम दो जीरोस टू जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद वो जीरोस अल्फा बीटा होते हैं और अल्फा बीटा के बीच रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक, तो आप इसको समझो, एक एक लाइन समझोगे तो बड़ी समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं। P of x एक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर लिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसका मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना है। तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट करने का कंसेप्ट यही रहता है कि इस मिडिल टर्म को दो नंबर में एक्सप्लिट करना है, टू नंबर्स में एक्सप्लिट करना है, जिनका सम और डिफरेंस माइनस 2x हो और प्रोडक्ट करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। तो फर्स्ट टर्म आपका दिख रहा है यहाँ पे 1 है और लास्ट क्या है 8 है। ठीक, माइनस 8 है, तो 1 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आना चाहिए और सम डिफरेंस कितना आना चाहिए उसका, माइनस 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो दो टू नंबर्स क्या होंगे भाई, टू नंबर्स हम मान लो ये ले लेते हैं माइनस 4 और 2 ले लेते हैं, माइनस 4 एंड 2, तो इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे आप तो कितना आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 4 में से अगर हम 2 को ऐड कर दें, माइनस 4 में हम 2 ऐड कर दें तो माइनस 2 मिल जाएगा हमें। ठीक, तो ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी हम फैक्टर करना भी सीख सकते हैं। हमें इस नंबर का फैक्टर करना रहता है, यानी फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसका फैक्टर करना रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, अगर हम प्रैक्टिस लाएंगे तो यही हमें समझ में आने लग जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से बहुत ईजिली हम फैक्टर फटाफट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करते हैं। तो एक्सप्लीट करना है इस मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। माइनस 2x को मैंने लिख दिया माइनस 4x प्लस 2x, इसका अगर आप सम करो या इन दोनों को आपस में एड सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 2x होगा। माइनस 4x इंटू 2x दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x इंटू 2x तो कितना हो जाएगा 8, माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस 8x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करो, आप दो दो टू टू नंबर पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लिए हमने, ईच पेयर से हम कॉमन ले लेंगे। ईच पेयर से कॉमन लिया तो फर्स्ट से कॉमन क्या हो जाएगा, इससे कॉमन x हो जाएगा, तो x माइनस 4 और यहां पे कॉमन 2 कॉमन, तो x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, x माइनस 4 और जो रिमेनिंग है यहां पे x बचा आपका और ये प्लस 2, तो ये पॉलीनोमियल हमारी, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है ना। अब नाउ टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस, जीरोस अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें p ऑफ x जो हमारी पॉलीनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा। टू फाइंड जीरोस पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x यानी इस फैक्टर को जीरो से इक्वेट करना होगा। ठीक, तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल टू 4। सेकेंड फैक्टर हमारा था x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली, डिराइव हो गया हमारी माइनस 2। तो हमने x की दोनों वैल्यू फाइंड कर ली, यही हमारे जीरोस है और इन्हीं जीरोस को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। ठीक, अब नाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट।
जीरोज और कॉफिशियंट के बीच रिलेशन क्या होगा? तो जीरोज और कॉफिशियंट, कौन सा कॉफिशियंट? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन या एक्सप्रेशन का कॉफिशियंट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इसके जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं इससे तो ए क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा हमें, ए की वैल्यू वन होगी। बी क्या होगा आपका, बी माइनस टू, और सी की वैल्यू क्या होगी यहां पे, सी इक्वल टू माइनस एट। अब ए बी सी यानी कॉफिशियंट मिल गए, जीरोज मिल गया अल्फा बीटा। अब इनके बीच हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहला फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस। तो होता क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो ये अल्फा बीटा माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा यानी 4 प्लस बीटा माइनस टू, 4 प्लस बीटा माइनस टू किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो माइनस साइन तो फॉर्मूले की बी यानी माइनस टू अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है। अब इसे सॉल्व करो आप, तो 4 माइनस टू और इधर भी सॉल्व करेंगे तो क्या, डायरेक्ट में लिख देता हूं 4, ये प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 इक्वल टू 2। तो ये सम वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, यानी दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो सम का रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। सेकेंड रिलेशन इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा सेम वही, अल्फा बीटा 4 और माइनस टू, तो 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू सी अपॉन ए। सी तो सी कितना, माइनस 8 अपॉन 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना होगा, माइनस 8, और आरएचएस में भी कितना आ जाएगा, माइनस 8। तो दोनों रिलेशन क्या हो गए हमारे, वेरीफाइड हो गए। ये भी 2 इक्वल टू 2 हो गया, ये भी माइनस 8 इक्वल टू 8। तो यहां पे हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट यहां तक सॉल्व होगा। पहले हमें क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें जीरो से इक्वेट करना होगा, यानी पी ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन हमने मानी पॉलिनोमियल को, उसको हमें जीरो से इक्वेट करना होगा। जीरो से इक्वेट करना है, उन दो फैक्टरों को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। तो पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट किया, तो एक्स की वैल्यू ये माइनस था तो 4 है, उसे अल्फा कंसिडर कर लिया। दूसरे को जीरो के इक्वल करना तो माइनस 2 आई वैल्यू, उसको बीटा कंसिडर कर लिया। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट, तो रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या, उसके जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन थी पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर कर दिया उस इक्वेशन को, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। फिर सम ऑफ जीरोस का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी था अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा, ए 2, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, हेंस वेरीफाइड। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, एक एक करके सभी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, उसी का फैक्टर करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, देन रिलेशन। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो सेम वही सेम कॉन्सेप्ट, लेट p ऑफ x इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4s प्लस 1 कंसीडर कर लिया। मिडिल टर्म एक्सक्लूड करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 ही आना चाहिए, ठीक है, यानी 4s आना चाहिए। तो 2s ले लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1,
टू टू का पेयर बना लेते हैं यहां पे, तो कितना हो जाएगा यहां पे कॉमन लेने पे, 2s कॉमन लिया तो हो जाएगा 2s माइनस 1, और यहां पे कोई भी कॉमन देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहां 2s से इधर 1 है, तो आपको कुछ भी कॉमन अगर नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए माइनस, तो जैसे हम बाहर कॉमन माइनस 1 लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों सेम, तो दोनों को कॉमन कर दिया, ओवरऑल कॉमन कर दिया, यहां पे क्या बचा आपका 2s, और फिर ये माइनस साइन और ये 1, ये 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया था, दोनों फैक्ट दोनों टर्म में से कॉमन कर दिया था, तो यहां पे फर्स्ट टर्म में बचा 2s माइनस साइन और फिर माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। नाउ टू फाइंड जीरोस put p of x equal to 0, हमें 0 फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल पुट करना होगा, तो पहला फैक्टर 2s minus 1 equal to 0, तो यहां से हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 को राइट में शिफ्ट कर दो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 1 upon 2। सिमिलरली सेकंड फैक्टर को भी हम पुट करें 2s minus 1 equal to 0, सेम कांसेप्ट s is equal to 1 upon 2, दोनों ही जीरोस यानी दो जीरोस हमने टू जीरोस जो फाइंड किए दोनों ही सेम हैं, ठीक है, तो हम इन जीरोस को क्या कंसीडर करते हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा। अब नाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करो 4 होगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल पहले x था अब वेरिएबल s हो गया है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आप, ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट से लेना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एस का कोफिशिएंट माइनस 4, बी क्या हो जाएगा -4 और सी की वैल्यू 1। और पहला रिलेशन फर्स्ट सम ऑफ जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा ये रहा, हाफ और हाफ दिया हुआ है तो 1/2 प्लस 1/2, फिर माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी कितना -4 अपॉन ए कितना 4। अब ये हाफ हाफ सबको ही पता है क्या होता है, मैं इधर एरो करके लिख देता हूं, हाफ एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 एलसीएम सेम है तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो 4 अपॉन 4 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये भी कैंसिल होके 1, ये भी कैंसिल होके 1, हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, एलएचएस आरएचएस दोनों सेम हो गए, तो हमारा सम वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल, तो अल्फा कितना आपका 1/2 इंटू बीटा भी कितना 1/2, और सी की वैल्यू क्या है 1 और ए कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो यहां पे ये हो गया हमारा 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी वेरीफाइड हो गया, तो लास्ट स्टेप सेम हैंस वेरीफाइड, ये दोनों इक्वल होगा ही, आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आने ही चाहिए, ठीक है, तो ही वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होगा आपका, ठीक, तो आप जीरोस फाइंड करें फिर उनके बीच रिलेशन आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन पूरा अगर आता है तो कंप्लीट यहां तक ही सॉल्व होगा, इसे नोट डाउन करो आप। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन समझते हैं इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है जो इसका लेट थोड़ा सा डिसअरेंज है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर कॉन्स्टेंट, फिर एक्स की टर्म है, जिसको अरेंज कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब प्लस माइनस करने पे माइनस 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, तो 9 और 2 का फैक्टर होगा, 9 में से 2 को माइनस करो, 9 में से 2 सबट्रैक्ट करें तो 7 आ जाएगा, 9 इंटू 2 कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो किसे प्लस करना किसे माइनस करना, तो मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए आप, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। माइनस 9 इसलिए किया क्योंकि माइनस का 7 है, माइनस 7 है, तो माइनस 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 7, और माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18 भी हो जाएगा। अब यहां पे हम इसका फैक्टर कर देते हैं, कॉमन इसमें लेंगे, मतलब दो दो टू टू के पेयर बना लिया हमने, अब इस पेयर से कॉमन लेंगे, तो अब यहां पे मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, एक्स तो दोनों में है तो एक्स आ सकता है, यहां से भी 3 ले सकते हैं, यहां सेकंड टर्म से भी 3 ले सकते हैं, तो 3x हमने कॉमन कर दिया, तो यहां पे क्या बचा आपका 2x और ये माइनस 3, क्योंकि एक्स बाहर हो चुका है, यहां से एक 3 भी बाहर हो चुका है, तो एक्स तो गया, 3x निकल गया बाहर कॉमन, तो यहां पे और 3 बचेगा, यहां से कॉमन क्या हुआ 3 बाहर और x, तो क्या हो यहां पे हो 2x। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो बताया था क्या होगा कॉमन, 1 2x माइनस 3। अब ओवरऑल देखो दोनों टर्म में क्या हो गया 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, तो दोनों टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन, तो अब क्या बचा फर्स्ट टर्म में 3x प्लस 1, पहला फैक्टर सेकेंड फैक्टर, ये आपका p ऑफ x पॉलिनोमियल। अब टू फाइंड दिस जीरोस p ऑफ x इक्वल टू 0, हमें जीरोस फाइंड करने के लिए जीरो के इक्वल पुट करना होगा, तो कर देते हैं पहला फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, इसे हम अल्फा कंसिडर करते हैं, ठीक है। दूसरा सेकेंड जो जीरो से हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x कितना -1, तो x हो जाएगा -1/3, ये सेकेंड, इसे हम बीटा कंसिडर। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो मैंने पूरी स्टेप ऑलरेडी सब कुछ लिखा दिया है, अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो लिखने का फर्स्ट दो जो क्वेश्चन कर रहा है तरीका पूरा सेम एज इट इज रहेगा। अब मैं केवल सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय आपका खराब होगा, ठीक है। इसे क्या हम जल्दी इसको केवल सॉल्व करते हैं, तो कंपेयर कैसे करना है, ऑन कंपेयरिंग, तो पूरा स्टेप तो वही है, तो ऑन कंपेयरिंग से सॉल्व कर लेता हूं, यानी टू फाइंड दी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो लाइन पूरा आप लिखोगे, है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ, तो ऑन कंपेयरिंग से मैं चालू कर देता हूं यहां पे, ऑन कंपेयरिंग विथ किसे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके लिए हम ये कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आपकी वही है, ए इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू यहां पे -7 और सी क्या है आपका -3, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस बी, तो -7/6, इसका एलसीएम ले लो आप 2 और 3 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 और प्लस इंटू माइनस, तो बीच में साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, ये 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही आ जाएगा बीच में, यानी यहां की जो साइन है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस में माइनस ही होगा,
ठीक है, तो माइनस लिख दिया मैंने, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो आप सॉल्व करो 9 - 2 7/6, ये भी 7/6, तो ये हो गया 7/6 = 7/6। तो ये हमारा सम वाला रिलेशन हो गया वेरीफाई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या आपका वही अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा कितना आपका -1/3 और c अपॉन ए, c क्या रहा आपका -3 और a की वैल्यू कितनी 6। सॉल्व करें तो ये 3 से 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो इसलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/2, और यहां भी कैंसिल करें तो 3 1 और ये 2 2, तो इधर भी कितना -1/2। तो LHS RHS यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया, यहाँ पे भी LHS RHS सेम हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे लास्ट में हेंस वेरीफाइड, तो रिलेशन था वेरीफाइड हो गया, यानी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया पूरा सही है। तो अब ये रिलेशन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद लिख लीजिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का फैक्टर करके जीरो सेंड कर देता हूँ, जीरोस को अल्फा बीटा आप कंसिडर करेंगे, देन आपको केवल रिलेशन लिखना रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको रिलेशन कंप्लीट करना है, यानी क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि जीरो साइन करके आप क्वेश्चन को छोड़ दो, पूरा कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें तो केवल प्लस माइनस ही करना है, सभी चीजें कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू, एक तरफ एबीसी की वैल्यू है, इधर अल्फा बीटा को ऐड करना है जो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो इजी है, बाकी 2-3 क्वेश्चनों में आप खुद करें तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, इसे नोट डाउन करिए आप। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो ही टर्म दी है, तो अब दो टर्म वाला जब क्वेश्चन होगा तो इसमें देखिए यू स्क्वायर है, यू है, दो ही टर्म है, यानी दोनों में वेरिएबल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम कॉमन ले लेते हैं, क्वेश्चन दो लाइन में खत्म हो जाता है, मिडिल टर्म एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और दो टर्म के क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे यू स्क्वायर है और एक कॉन्स्टेंट होता है, यानी स्क्वायर वाली टर्म होती है और कॉन्स्टेंट होती है, तो उसमें हमेशा फार्मूला बनता है जो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो दो टर्म वाले क्वेश्चन और भी इजीली खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसे मिडिल टर्म को एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ता है, तो समझिए टू टर्म्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4u - 8t, मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से भी 4u, यहां से भी 4u, तो 4u कॉमन कर दिया, क्या बचा यहाँ पे u बचा, इधर -2, ये मैक्सिमम कॉमन, तो हो गया ये हमारा फैक्टर, ये पहला फैक्टर हमारा है 4u फर्स्ट फैक्टर, और ये सेकंड फैक्टर u -2, ठीक। फॉर जीरोस p ऑफ x क्या करें इक्वल टू जीरोस, टू फाइंड जीरोस या फॉर जीरोस p ऑफ x इक्वल टू जीरो, तो 4u इक्वल टू जीरो, पहला फैक्टर जीरो के इक्वल पुट किया तो u इक्वल टू 0/4, ठीक है। ध्यान रखते हैं बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिख देंगे, 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, 0/4 है, कुछ भी लिख देते हैं बच्चे 0 ही होगा, ठीक। और सेकेंड u माइनस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 2, ठीक। आप फिर से इसको क्या कंसिडर कर लोगे, ये होगा अल्फा और ये बीटा, आपको रिलेशन बस लिखना है, तो रिलेशन के किस स्टेप लिखवा दिए आप इसे खुद लिखो, लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अल्फा बीटा और ए बी सी, अब सी नहीं है तो क्या करोगे, सी क्या हो जाएगा 0, ए 4 ये बी -8 और सी की वैल्यू कंसिडर कर लोगे 0, और कंसेप्ट इजी हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो सी अपॉन ए, जब प्रोडक्ट का रिलेशन आएगा तो सी अपॉन ए, यानी 0/4 क्या हो जाएगा 0, ठीक। और c अपॉन ए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो 0 × 2 ये भी 0, तो 0 = 0, ठीक है। मैं रफ में सॉल्व कर देता हूं भाई, सम का रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा, आप लोग लिख लेना, लेकिन आपको पूरे अच्छे से डिटेल में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 0, बीटा कितना आपका 2, माइनस बी, तो माइनस बी कितना, बताइए बी कितना होगा,
माइनस माइनस 8, ये b की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 4, कितना हो गया ये 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 अपॉन 4 कैंसिल करें 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 इक्वल टू 2। दूसरा रिलेशन आपका होता है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल c अपॉन a के इक्वल, तो अल्फा कितना 0, बीटा कितना 2, c कितना 0, c इधर 0 प्लस ये 0 कांस्टेंट टर्म नहीं है, और a की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया 0, ये भी 0। ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सभी लाइनें लिखनी है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है ना, ऑन कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c सब कुछ लिखना, उसके बाद एक्सप्लेन करना, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, 2 हैंस वेरीफाइड, नोट डाउन करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें भी दो ही टर्म दे रखे, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, मिडिल टर्म गायब है इसमें, यानी टी वाले टर्म नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट, तो इसमें एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट वाली टर्म नहीं है, यानी टी स्क्वायर और कॉन्स्टेंट है, टी वाले टर्म नहीं है, तो बताया था कि इसमें फॉर्मूला बनता है जो आप कई सालों से उसको पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक, तो सॉल्यूशन इसका समझो, दैट पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, कौन सा फॉर्मूला, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मान लो 25 होता तो 5 स्क्वायर लिखते, 9 होता तो 3 स्क्वायर लिखते, अब ये 15 है तो 15 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमें रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी हमने यूज कर दी, तो ये हो जाएगा आपका टी प्लस रूट 15 और सेकेंड फैक्टर टी माइनस रूट 15, तो ये पी ऑफ एक्स दोनों फैक्टर आपके कंप्लीट, ठीक, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। अब टू फाइंड जीरोस जीरोस फाइंड करने के क्या करते हो आप, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पहला फैक्टर जीरो के इक्वल, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस रूट 15, दूसरा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो यहां से टी की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस रूट 15, एक होगा हमारा अल्फा और दूसरा होगा बीटा, ये हमारी पहली टी की वैल्यू, ये दूसरी टी की वैल्यू। अब बात आती है रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए भी फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, रिलेशन के लिए आपको यहां पे अब इसे अरेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि यहां पे बी नहीं है, टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस 15, ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो रिलेशन के लिए पहले कंपेयर करना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यानी हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए 1 होगा, बी कितना आ जाएगा आपका बी 0, और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 15। पहला रिलेशन फर्स्ट सम का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम करना, तो एक प्लस का एक माइनस का है, सम करोगे तो ऐसे 0 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ठीक है, इधर माइनस बी की वैल्यू 0, ए कितना आपका 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना भैया, 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा सम का रिलेशन वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन, सेकंड रिलेशन जो आपका प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, इधर सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है यहां पे माइनस 15 है, माइनस 15 अपॉन 1,
तो रूट रूट मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, यानी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, माइनस साइन लग जाएगा तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, ये हो गया। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, लास्ट स्टेप हेंस वेरीफाइड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रूट है, रूट से बच्चे डर जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से नोट डाउन करें और अच्छे से समझ लें। ये मैंने फास्ट एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट नोट डाउन करना है। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जो हमने लिखे, दो तीन क्वेश्चन जो इसे कंप्लीट किया था, सभी क्वेश्चन को आप वैसे ही कंप्लीट करोगे। ठीक है, आप भी ऐसे शॉर्टकट मत कर लीजिएगा। चलिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट सिक्स वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स वाला मतलब इसका सी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसको भी कंसीडर कर लें। लेट ई ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - x - 4। अब प्लस माइनस करने पे x आना चाहिए, माइनस x मल्टीप्लाई करने पे 3, 4 = 12। ठीक है, 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 ही फैक्टर ले लेते हैं, माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, तो 3x² - 4x + 3x - 4। अब ये 2-2 का पेयर यहाँ पे होगा, हर एक पेयर से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन हम क्या ले पाएंगे, केवल x, क्योंकि नंबर्स ये 4 है, ये 3 है, तो कॉमन होगा नहीं, x कॉमन आ जाएगा केवल, तो x कॉमन तो ये हो जाएगा 3x - 4। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों नंबर में कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है या वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, केवल 1 कॉमन, 3x - 4। अब देखिए दोनों टर्म में कॉमन क्या हो गया हमारा, 3x - 4 और x + 1। ये पहला फैक्टर 3x - 4, दूसरा x + 1। नाउ टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो नाउ पहला फैक्टर 3x - 4 इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा आपका 3x = 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नीचे लिख देता हूं मैं, 3x = 4, तो x कितना हो जाएगा, 4/3। दूसरा रिलेशन x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1। ये आपका अल्फा, ये बीटा। नाउ रिलेशन आप खुद लिख लें तो बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है, इसका रिलेशन आप खुद लिखेंगे, क्योंकि इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि फॉर्मूले में केवल डायरेक्ट पुट करना है, तो एक भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप सभी क्वेश्चन खुद ही लिख लोगे, बहुत इजी है वो। ठीक, तो इसे आप रिलेशन आप खुद लिखेंगे, अल्फा बीटा मैंने लिख दिया है, आप कंपेयर कर लो, इजी है। ए बी सी की वैल्यू, ए आपका 3, बी की वैल्यू -1, सी -4, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तो ही रिलेशन वेरीफाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पॉलीनोमियल का सेकंड है, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी पॉलीनोमियल के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मतलब जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन वही होगी, उसके जनरल फॉर्म में होगी, जैसे मान लो x² + bx + c, इसी फॉर्म में सभी आंसर इसके आपको बुक में मिलेंगे, तो हम इसके जनरलाइज फॉर्म आंसर को लाएंगे, तो समझते हैं इसे। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमने अल्फा बीटा को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस को सपोज कर लिया। अब गिवन क्या है, गिवन अल्फा बीटा नहीं है, गिवन सम और प्रोडक्ट है, तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। अब सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विल बी, क्या होता है फॉर्मूला, x px इक्वल टू x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस वन। तो अगर आप इसे सॉल्व करो, सॉरी यहां पे ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये प्लस इंटू माइनस वन। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4, या और में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब समझिए आप 1/4 4 एक्स स्क्वायर मतलब सिंस 1/4 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड ये जो आपकी वैल्यू आई है, और अगर हम इसके कांस्टेंट टर्म को हटा दें फ्रैक्शन वाला 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का जीरोस अगर फाइंड करोगे आपको तो सेम आएगा, है ना, दोनों के जीरोस सेम है, तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को हटा भी देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि हमें जो आंसर बुक्स में मिलेंगे उसके जनरल फॉर्म में मिलेंगे, तो जनरलाइज फॉर्म में आंसर लिखने के लिए हमें इसके जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कांस्टेंट टर्म उसको हमें हटाना होगा। ठीक, तो इन दोनों के जीरोस क्या है, सेम है, सिंस दिस एंड दिस हैव सेम जीरोस, सेम जीरोस, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विल बी, क्या हो जाएगी हमारी 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर। मतलब आपका जो कांस्टेंट टर्म है फ्रैक्शन वाला आप उसको हटा देंगे तो भी आपके आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपके जीरोस चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एलसीएम यहाँ पे ले लिया है, तो इन दोनों के जीरोस क्या है, सेम है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन ऐसा होगा, जो फ्रैक्शन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगा डायरेक्ट वैल्यू वहां पर रख देंगे। ठीक, जैसे नोट डाउन करें, इसी का सेकंड क्वेश्चन समझिए, मैंने वो चीजें रफ नहीं किया क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, अल्फा बीटा और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सम ऑफ जीरोस गिवन है इसमें √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये इक्वेशन है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी √2 एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। एलसीएम ले लो भाई, आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 अपॉन 3, और भी इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/3, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दिया, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। अब यहां पे सेम वही सेम कंसेप्ट फिर से देखिए आप, सिंस 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 एंड हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 हैव सेम जीरोस, सेम जीरोस, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
क्या हो जाएगी हमारी, ये जनरलाइज उसका फॉर्म, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये आंसर लिख लीजिए। ऐसे ही सभी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप समझ से, सम ऑफ 0 0 और प्रोडक्ट रूट 5, तो सम ऑफ 0 0 रख देते हैं और प्रोडक्ट रूट 5 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं फास्ट सॉल्व कर देता हूँ, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x, सम 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट में क्या होगा आपका रूट 5, ठीक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये px, यही रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल आपकी, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म फ्रैक्शन नहीं है, ठीक। तो ये डायरेक्ट यही आंसर होगा x स्क्वायर प्लस रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी, फोर्थ वाला भी इजी क्वेश्चन है, सम 1 दे रखा है और प्रोडक्ट भी 1 ही दे रखा है, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी प्लेस तो 1 ही हो जाएगा, तो 1x प्लस 1, तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये px है, यानी आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये इसका आंसर है आपका। नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं सभी सॉल्व कर देता हूँ, कॉपी आपकी मेंटेन हो जाएगी, आप सभी लिख लीजिए। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, माइनस 1/4 1/4 सम प्रोडक्ट दोनों माइनस 1/4 और ये 1/4 प्लस 1/4, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो वैल्यू पुट करना है, कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, सॉल्व करें इसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4, अगर आप एलसीएम लो तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, फिर से ये फ्रैक्शन में आ गया कॉन्स्टेंट टर्म, तो और में हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, और में इधर लिख देता हूं मैं, और में हो जाएगा 1/4 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। फिर वही सिंस 1/4 4x² प्लस एक्स प्लस 1 एंड 4x² प्लस एक्स प्लस 1 हैव सेम जीरोस, हैव सेम जीरोस, देयरफॉर जीरोस ऑफ दोनों के जीरोस सेम है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जल्दी नोट डाउन इसे कर लें। इसका लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन भी है, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। 4 और 1, सम ऑफ जीरोस 4 और ये प्रोडक्ट 1, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस सम 4 है तो 4x, प्रोडक्ट 1 है तो 1, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये आंसर है आपका। तो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप सेकेंड एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसमें आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी।
देन नेक्स्ट हम आगे ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज करते जाएंगे, फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें एक और एक्सरसाइज बची है, उसके बाद ऑप्शनल है, तो इसे पहले कंप्लीट करें फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। पॉलीनोमियल का मेन एक्सरसाइज वही है जिसमें डिवीजन आपको सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन वही से आता है, डिवीजन से ही आता है। तो ये तो इजी था, लास्ट टाइम भी हम फैक्टर का प्रॉब्लम पढ़ चुके थे, आपको जीरोस वगैरह तो पता ही था, डिग्री पता थी, तो ये चीज सीख लोगे तो आपको आगे इजी हो जाएगा। डिवाइड डिवाइड करना भी आपको नाइन्थ क्लास में सिखाया गया था, तो अगली एक्सरसाइज वही है, सेम डिवाइड करना ही है। तो पहले इसे कंप्लीट करें, अगली एक्सरसाइज में हम फिर करेंगे उसमें।